नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बिहार चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा बिहार ओनरशिप परीक्षा 2019 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर राइट क्या है दोस्तों, हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं, हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार का वनस्पति मिलती है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार का वनस्पति मिलती है दोस्तों? वर्षा वन प्रकार के वनस्पति मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो राउटजन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, राउटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो आपका है पोटेशियम है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है, आलू किस कुल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सोलेनेसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, सोलेनेसी से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ताड़ के वृक्ष से क्या होता है, तारपीन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? राइट ब्रदर्स। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, राइट ब्रदर्स। ठीक है, राइट ब्रदर्स इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, भूमध्य सागरीय। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता होती है, किसका खास आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है।